मेरा पवित्र काम है, मेरा काम है पवित्र काम है, मैं फ्यूनरल दिखाता हूं, पहला खुद की मौत की बात करता हूं, खुद का एलआईसी का चार्ट, कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट, मतलब मेरा अपना चार्ट होता है वो मैं दिखाता हूं, ये मेरा खुद का बीमा है, मैं मर जाऊंगा आज तो मेरे वाइफ को इतना पैसा मिलेगा। अरे हिम्मत चाहिए अपना एलआईसी का प्रोफेशन करने को। अब आप लोग मेरे मुंबई के प्रोग्राम में आए थे, मैंने बताया था, बताओ आपको हम कितने हिम्मतवान हैं, आपको सोचना है, जानना है सोहेल सिंह जी कितने हिम्मतवान हैं। अरे हमारे जैसा हिम्मतवान तो कोई नहीं है, वो सिर्फ फौज में जो सोल्जर होते हैं उसके बाद हमारा ही नंबर लगता है, वो भी गोलियां खाते हैं, सामने वाले को मारते हैं, उसका कोई रिलेशनशिप है, कोई जानता है, गुस्सा है उस पर, सिर्फ दुश्मन, एक ही वर्ड है, पाकिस्तानी हो या चाइनीज हो, आवाज करेगा उड़ा देने का काम ही उसको हो गया है। मेरा काम क्या है, उसको मिलना है, उसकी फैमिली की सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा करना है। अगर उसको कुछ हो जाएगा, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को सेफ्टी देने का काम मेरा है। वो गोली मार सकता है मुझे, नहीं मार सकता है, दुश्मन तो फौज में गोली भी मार सकता है, दुश्मन सामने मेरी जान ले सकता है, यहां पर वो टेंशन है ही नहीं। मुझे मेरा काम एज अ वॉर करना है, वॉर मुझे ये काम करना है, मुझे उसी के लिए ही कमीशन दिया जाता है। हमारे एलआईसी में, हमारे कंपनी में, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में जितने भी ऑफिसर है, जितने भी मैनेजर है, सब एक दिन रिटायर हो जाएंगे कि नहीं? जितने भी है टॉप क्लास एमडी सीईओ चेयरमैन सब रिटायर होंगे कि नहीं? अब आप रिटायर होंगे? रिटायर होंगे कभी? आईसीयू में पहुंच के मैं 90 साल में ऐसा ये समय का बाटली उल्टा लगाया होगा, फिर भी एक पॉलिसी बना सकता हूँ कि नहीं? बोलिए, आखिरी सांस तक मैं एलआईसी एजेंट, ये सौभाग्य सिर्फ LIC एजेंट को दिया है। We are the people who is working for once in our life and getting the fruit of 20 years. अरे वो दुकान वाले को, वो लॉयर को रोज कोर्ट में जाना पड़ता है, रोज केस जीतना ही पड़ता है, हारेगा तो लोग रेपुटेशन खराब होगा, लोग आएंगे नहीं। उसने भी LLB किया है, एक लॉयर है जिसने LLB किया है, वो 100 रुपए में एफिडेविट करने का धंधा करता है, और एक लॉयर है वो मिस्टर हरीश सालवे हमारे महाराष्ट्र मुंबई का है, वो एक हियरिंग का 25 लाख रुपए, इसका कस्टमर कौन है? सलमान खान। सबको लगा सलमान खान जेल के अंदर गया, लगा था कि नहीं? हमको लगे, वालों को भी लग गया, सबको लगा, लेकिन लॉयर ने आज तक उसको बाहर ही रखा है, गुनेगार है नहीं। ये मेरा कहना नहीं, लेकिन आम आदमी हूं, मैं भी मीडिया देख रहा था, टीवी देख रहा था, ऑलमोस्ट गया, लेकिन उसके लॉयर ने उसको भारी रखा है। हरीश सालवे एक हियरिंग का नहीं, एक बार कोर्ट में खड़ा हुआ, डेट मिल गई, उसका 25 लाख रुपया फी है। ऐसे भी एजेंट है दिन में एक कॉल करते, सिर्फ एक कॉल, उसके पीछे होमवर्क करते, 3 TOT करते, 4 TOT करते। मैं उनसे सीखना चाहता हूं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। काम हर एजेंट से सीखना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको लिबर्टी, मैंने जो बोला ना, हमारे पास, हम सुबह गुस्सा करके निकलते हैं घर से कि अभी मेरे को टेंशन आया है, अभी मैंने कल ही सेशन किया है, संजीव आनंद का, राजेश सतोस्कर का बात सुना है, मीटिंग भी आप करोगे, सबको दम मारोगे, अभी मेहनत करना है, समझा, अभी ये करना है कि मैं घर में बोर्ड लगाता हूँ। उस जमाने में वो थोड़ी बात अधूरी रह गई, वो मीटिंग के बाद मैंने क्या किया था, बोला कि मुझे TOT करना है। बेचारे माँ बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटे के पैसे में, उसने मेरे माँ ने सिर्फ इतना पूछा, करेगा कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली है? बोला कुछ नहीं मम्मी, बहुत पैसा आया, पैसा छोड़ रहे, ज्यादा तकलीफ कुछ नहीं, काम ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, रात को घर पे आएगा ना, उसको वही टेंशन है, रात को बेटे का मुंह देखना है बस। बोला हाँ आऊंगा घर पे, थोड़ा लेट आऊंगा, काम ज्यादा करूंगा। बीवी को कॉन्फिडेंस दे दिया, हो सकता है कि मेरा टेंपर और हाई हो जाए, तो बोलते हैं टेंपर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं परेशान ज्यादा हूँ, मेरे को प्रेशर ज्यादा होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने वाला हूँ, ज्यादा लोग मुझे ना बोलने वाले, हाँ बोलेंगे तो भी मेडिकल करना, ये करना, पेपर वर्क करना, KYC करना, इजी नहीं है, मैं सब करने वाला हूँ, मुझे बहुत आगे काम करना है।
मुझे बहुत मेहनत करना है, मुझे स्टाफ को बढ़ाना है, मुझे शायद कर्जा लेना पड़ेगा, मुझे शायद लोन लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑफिस बढ़ाना पड़ेगा, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, लेटरबाजी करने के लिए दो अपॉइंटमेंट दो सेल्समैन को जाके भेजना पड़ेगा, सामने के ऑफिस में कार्ड लेके आओ, विजिटिंग कार्ड लेके आओ, दुकानों में भेजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। प्योरिटी ऐसे थोड़ी होगा, अभी तो सिर्फ तीन एनडीआईटी करता हूँ, ये करना है ये सब करना पड़ेगा, मुझे तेरा साथ चाहिए। मैंने घर पे, मेरे घर पे मेरे ट्रेनर मुरली भाई मेहता ने मुझे बताया था, नाम सुना है आपने, मिस्टर मुरली मेहता मेरे पर्सनालिटी एनरिचमेंट स्पेशलिस्ट है, यानी मेरे पर्सनालिटी में चेंज करने का जिम्मेदारी उनका है और वो 10 साल से वो कर रहे हैं। आपको कुछ गलत लग रहा है कि मेरी पर्सनालिटी में? नहीं, मैं बहुत खराब था, उन्होंने सुधारा है और आज भी वो बोलते हैं कि तेरे में इतनी खामियां हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो आज भी मुझे बोलते हैं। उन्होंने मुझे बोला था उस वक्त के घर पे बोर्ड लगा दो, यस आई एम टीओटी, यस आई एम टीओटी, साइन करो नीचे राजेश सतोस्कर। और वो सब मैंने कंप्यूटर से इतने बड़े निकल के हॉल में कैलेंडर पे टीवी के ऊपर बेडरूम में बेड के बाजू में दरवाजे के अंदर दरवाजे के बाहर किचन में फ्रिज पर कमोड के सामने के दिखे और टेंशन आए सब जगह पे। अगर लोग आते थे मेरे घर पे पूरा साल ये लगे रखा है, अजीब सा लग रहा है, टीओटी व्हाट इज दिस टीओटी, नेबर ने मेरी गलती किया के पूछ के तो ये क्या है टीओटी, ये वाला ये टीओटी है इंटरनेशनल, इसके ऊपर एलआईसी एजेंट के लिए कोई सम्मान ही नहीं, टीओटी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये मुझे बनना है, इसके लिए मुझे नई नई पॉलिसीज चाहिए, प्लीज आप हेल्प करो।